हेलो फ्रेंड्स, रेसिपी स्टार में आपका स्वागत है। तो आज मैं बना रही हूँ भबरी। तो मैं इसमें आटा, अजवाइन और देसी घी दे चुकी हूँ। तो अब इन सबको मिला के अच्छी तरह से मिला के हम सान लेंगे। तो हमारे घी मिक्स हो चुके हैं। अब मैं इसमें पानी डाल के इसको अच्छी तरह सान लूँगी। तो हमारा आटा तैयार हो चुका है। अब मैं ये है सत्तू, इसमें नमक, तेल, सरसों का और हरी मिर्च, अदरक, लहसुन कूट के डाली हूँ। अब मैं इनका लोई बना बना के इसको भर लूँगी। इनको इस तरह गोल कर लेंगे। इसी तरह तैयार कर लेंगे। तो हमारे सारे लोई तैयार हो गए हैं भबरी के लिए। अब मैं दो कढ़ाई चढ़ाई हूँ, दोनों कढ़ाई गरम हो चुके हैं। अब मैं इसमें घी डालूँगी। तो इसमें भी मैं घी डाल चुकी हूँ और इसमें भी। अब मैं इसे तौ पे ये भबरी डाल दूंगी, इसे अच्छी तरह मिला लूंगी। और मैं इसे ढक दूंगी 10 मिनट के लिए। अब मैं इसमें भी भबरी डालूंगी। भी अच्छी तरह मिला लेंगे। पूरी अच्छी तरह घी में और इसे भी 10 मिनट के लिए ढक देंगे। देखिए, मैं इसे एक बार पलटा दी थी। अब मैं इसे फिर से ढक दूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा बेटा मेरी बेटी खा रही है। तो ये है सुबह का नाश्ता, इन सबको अब ये टिफिन में जाएगा। तो कैसा लगा बेटा? ऐसे उंगली नहीं किया जाता बेटा। हाँ ठीक है, इस तरह टेस्टी लगा। कैसा लगा बाबू? तो फ्रेंड्स देखिए, तो आप सब भी ट्राई कीजिए, बहुत बच्चे को पसंद आएंगे। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और बोलो बेटा।